बैक टू मार्केट शर्मिला, गुड मॉर्निंग। एलआईसी के मैनेजमेंट ने काफी हद तक यहाँ पर कन्विक्शन जरूर जताया और ये भी कहा है कि Q1 जो होता है पर्टिकुलरली इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए म्यूटेड होता है, बावजूद इसके एलआईसी के नंबर्स जो हैं काफी ज्यादा मजबूत आते देखने को मिले हैं। प्रॉफिट में हमने इनफैक्ट मैनीफोल्ड इंक्रीज, 3 करोड़ से सीधा प्रॉफिट करीब 682 करोड़ तक बढ़ता हुआ देख चुके हैं हम। ऑफकोर्स VNB मार्जिन में एक डिप नजर आया है इन दिनों, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज पर लगातार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफी आती दिखी हैं, आपकी राय यहाँ क्या होगी? सी यू नो आई थिंक ओवरऑल अगर आप इंश्योरेंस एज ए सेक्टर पूछे ना तो आई एम वेरी पॉजिटिव, क्योंकि जिस तरह का पेनिट्रेशन लेवल है कि कितने लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं और आप इंडियन पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देखें तो काफ़ी गैप नज़र आता है। लेकिन ये चीज़ भी मान के चलनी होगी कि सम ऑफ देम रियली डिड, जो पैंडेमिक का वो जो 2 साल थे वो काफ़ी मुश्किल थे बिकॉज इन टर्म्स ऑफ यू नो उनके जो आउटलोज जिस तरह से रहे। आई थिंक LIC के लिए ये बड़ी दिक्कत है कि दे हैव टू सॉर्ट ऑफ प्रूव देमसेल्व्स इन द स्टॉक मार्केट नाउ, क्योंकि अभी तक वो हम मान के चलते मान के नहीं चलते थे इट इज इंडियाज लार्जेस्ट इंश्योरेंस एंटिटी, लेकिन वो अनलिस्टेड प्लेयर था। तो किस तरह से वो इसी तरह का अगर वो एक आध क्वार्टर और मेरे हिसाब से जाने देना चाहिए बिकॉज दे हैव सर्टेनली प्रूव्ड देमसेल्व्स दिस क्वार्टर, लेकिन एक आध और क्वार्टर उन्हें देना चाहिए बिकॉज यू नो आई थिंक इवन दीज कंपेरिजन जो हम कर रहे हैं ना वो ईयर ऑन ईयर है एंड परहैप्स दैट्स नॉट द बेस्ट कंपेरिजन। तो मेरे हिसाब से कोई भी आप कंपनी उठा के देखे जिनके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, इट इज इंटरेस्टिंग टू सी वॉट देवर इन 2019 एंड देन 2020 देन 2021 एंड देन 2022। सो आई थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव एक आध और क्वार्टर जाने दें, लेकिन इसी तरह की अगर सभी पैरामीटर्स पर उनकी ग्रोथ अच्छी दिखती है देन देर इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस to be made for buying into LIC. Of course, I think even now, अगर आप long term investor है तो आप staggered buying जरूर कर सकते हैं इस stock में and overall I'm very positive on the sector. पोजिशनल सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म प्ले काफ़ी पॉजिटिव ये दिख रहा है। इनफैक्ट एक और क्वार्टर ज़रूर देना होगा क्योंकि जिस तरह शर्मिला जी भी बता रही है मैनेजमेंट की तरफ से भी कमेंट्री यही आती हुई दिखी कि फर्स्ट क्वार्टर जो है अमूमन हम देखते हैं एक म्यूटेड सेट ऑफ क्वार्टर नज़र आता है, सेकेंड तक और ज़्यादा क्लैरिटी के पूरे अनुमान नज़र आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब LIC के नतीजों की बात चली है तो LIC पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं और इसके अलावा भी स्टॉक स्पेसिफिक ब्रोकरेज रिपोर्ट्स सारी की सारी समझ लेते हैं, पूजा हमें बताएंगी। पूजा बताएं LIC से शुरुआत कीजिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या आती हुई दिखी हैं? स्टॉक स्पेसिफिक ब्रोकरेज रिपोर्ट्स सारी की सारी समझ लेते हैं, पूजा हमें बताएंगी। पूजा बताएं LIC से शुरुआत कीजिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या आती हुई दिखी हैं? ओके चलिए पूजा से हमारा संपर्क टूटा है, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे तब बात करेंगे। इनफैक्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की अगर बात करें कई सारे ब्रोकरेजेस यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं, LIC पर पर्टिकुलरली मक्वायरी की रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली है, आउट परफॉर्म की रेटिंग ये मक्वायरी की रिपोर्ट में बताई गई है, 850 के टारगेट्स हैं, चीप वैल्यूएशंस नज़र आ रहे हैं जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी हद तक का पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने हैं और इसी के चलते यहाँ पर टारगेट्स जो हैं उन्हें अपग्रेड किया गया है। Q1 FY 2023 VNB मार्जिन